तो लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अलीगढ़ में मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। प्रत्येक मंडल की, प्रत्येक जनपद की समीक्षा वहां पे करता हूं, वर्चुअली सभी लोगों से जुड़ता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने फील्ड में उतर करके भी इस महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान की यहां पर समीक्षा शुरू की है। आज मैं अलीगढ़ मंडल में यहां पर आया हूं। पिछले 12 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर अगर कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या हम देखेंगे तो ये संख्या 12 दिन के अंदर 1,06,000 कम हुई है। प्रदेश सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की जिस नीति को आगे बढ़ाया है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग पहले दिन से ही इस अभियान के साथ जुड़े हैं और सेकंड वेव पर भी हम लोगों ने इसी आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है और ये लगातार इस पर हम लोग इसको प्रभावी रूप से इसके संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का कार्य कर रहे हैं। व्यापक पैमाने पर टेस्ट हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम लोग 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट पूरे कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वह थी कि ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी, क्योंकि फर्स्ट वेव के समय में चाहे वह हॉस्पिटल रहे हों, चाहे वह होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड पॉजिटिव रहे हों, इनमें से किसी ने भी ऑक्सीजन की डिमांड उस दौरान नहीं की थी, क्योंकि हॉस्पिटल के अपने एग्रीमेंट होते थे ऑक्सीजन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट के साथ, तो उस समय कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं इसके साथ खड़ी हुई थी। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक समस्या खड़ी हुई और उसके लिए हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके निर्देश पर एयरफोर्स के जहाजों ने और रेलवे, भारतीय रेल ने मदद की और आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 300 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की सामान्य दिनों में खपत होती थी, लेकिन सेकेंड वेव के दौरान यह बढ़कर के 1,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई प्रतिदिन। कल ही हम लोगों ने 1,030 मीट्रिक टन की आपूर्ति प्रदेश में की है और ये लगातार चल रही है। प्रदेश के अंदर टीकाकरण की जो स्थिति है, कोविड से बचाव का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है टीका। पहले तो बचाव हम करें, लेकिन सुरक्षा कवच के रूप में टीका हम जरूर लगाएं। और टीका के लिए अब तक प्रदेश ने 1,43,00,000 टीके लगाए हैं 45 प्लस के लोगों को और 2,65,745 टीके लगे हैं 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रदेश में अब तक लगाए हैं और ये टीकाकरण का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में वर्तमान में ऑक्सीजन की संभावित संकट को फिर से इस प्रकार की क्राइसिस न हो, इसमें प्रधानमंत्री केयर फंड से प्रदेश को 161 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सहमति मिली है, कुछ पर कार्य चल प्रारंभ हो चुका है और राज्य सरकार भी अपने संसाधनों से अलग अलग विभागों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग, गन्ना विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सीएसआर से, एमएसएमई और अन्य विभागों के माध्यम से भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम 377 नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए वर्तमान में राज्य के अंदर काम चल रहा है।
प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोगों ने बेड्स की क्षमता भी बढ़ाई है। L2, L3 फैसिलिटी के हमारे पास इस समय बेड्स की संख्या 80,000 के आसपास है और हम लोग निरंतर इसमें वृद्धि कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, यद्यपि सेकंड वेव में भी आशंका व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 5 से 10 मई के बीच में 1,00,000 कोविड पॉजिटिव के केस प्रतिदिन आएंगे, लेकिन आज 12 मई है, 12 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 17,000 पॉजिटिव केस आए हैं। हम लोगों ने उन आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है, लेकिन लापरवाही और सतर्कता हमेशा बनी, लापरवाही हमेशा छोड़नी पड़ेगी और सतर्कता हमेशा बनी रहनी रखनी पड़ेगी। इसी दिशा से हम लोग थर्ड वेव की भी आशंका को ध्यान में रखते हुए अभी से हम लोगों ने इसकी तैयारी भी एक अलग से टीम लगा करके प्रारंभ कर दी है कि पीडियाट्रिक्स के ICU का निर्माण अभी से हर जनपद में प्रारंभ हो, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हो। पोस्ट कोविड का जो एक इफेक्ट देखने को मिला है ब्लैक फंगस के रूप में, इसकी ट्रेनिंग और इसके उपचार की प्रॉपर व्यवस्था हम लोगों ने लखनऊ से प्रारंभ कर दी और 1-2 दिन के अंदर हमारे एक जनपद में इसके बारे में वर्चुअली इसका सेमिनार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं और इन चीजों को तेजी के साथ आगे बढ़ा, इसको हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। हम लोगों ने जो हमारे बड़े मेडिकल कॉलेजेज हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां पे LMO प्लांट या एयर सेपरेटर प्लांट ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगाए हैं, लेकिन जो दूर दराज के जो हमारे CHC हैं उनमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता लोगों को बड़े, इसके लिए 20,000 से अधिक हम लोगों ने अब तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां पर आराम से 5 घंटे ऑटोमेटिक वो चलते हैं, एटमोस्फियर से ही वे ऑक्सीजन लेते हैं, उसके माध्यम से इसको चलाने का काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक ये प्रदेश के अंदर संचालित हैं। अलीगढ़ मंडल में आज मैं आया हूं, अलीगढ़ मंडल में यहां पर एक्टिव केस की संख्या अब कम होती जा रही है। पिछले एक सप्ताह में यहां पे लगभग 200 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट में निरंतर गिरावट है। अगर ओवरऑल कमिश्नरी का हम देखेंगे तो यह पहले 20% के आसपास थी, अब यह घट करके 5% के आसपास है और हमारा प्रयास है कि इस पॉजिटिविटी रेट को और भी कम लाने के लिए, इसके लिए हर एक जनपद को टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसमें ऑक्सीजन के टैंकर भेजे जा रहे हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन निरंतरता इसमें बनी रहे इन कार्यों को, और मुझे यहां पर देख करके इस बात की प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्माण की कार्रवाई अलीगढ़ में प्रारंभ भी हो रही है, उसका ट्रायल चल रहा है और सफलतापूर्वक ट्रायल होने के बाद अलीगढ़ में उसके कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस मंडल में 161 वेंटिलेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं जो फंक्शनल हैं। मंडल में ऑक्सीजन के भी 246 कंसंट्रेटर वर्तमान में उपलब्ध हैं। इस मंडल में 14 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 3 को क्रियाशील किया जा चुका है, शेष को क्रियाशील करने की तैयारी यहां पे चल रही है। मंडल में अब तक 4,13,285 के लोगों को टीका लगाया जा चुका है और जिन 18 जनपदों में हमारे 18 प्लस के लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है उनमें अलीगढ़ भी है। अलीगढ़ में जनपद में 5,721 लोगों को अब तक 18 प्लस के उन सभी युवाओं को भी टीका लगाया जा चुका है। मंडल में वर्तमान में 85 एम्बुलेंस डेडिकेटेड कोविड कार्य के लिए लगी हुई हैं और यहां पर इस बात के लिए प्रशासन से कहा गया है कि 108 की 75% तक एम्बुलेंस को आप कोविड कार्य के लिए लगा सकते हैं। हर जनपद में महिला और बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल अलग से बनाए। इसके अलावा यह भी व्यवस्था की गई है,
कि नॉन कोविड पेशेंट को और कोविड पेशेंट के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा और उनके लिए नॉन कोविड पेशेंट के लिए हर जनपद में जो गंभीर रोगी हैं उनके लिए अलग से उपचार की व्यवस्था भी हर एक जनपद में हो। जो जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की कार्रवाई भी यहां पर प्रारंभ की जा रही है। आज मैं यहां पर ईएमयू में हम लोगों ने यहां पर समीक्षा इन सब बातों को लेकर के की है, जिसमें चार अलीगढ़ मंडल यहां पे प्रत्यक्ष था, यहां के जनप्रतिनिधि थे, शेष अन्य जनपदों में वर्चुअली मैं जुड़ा था। वे सभी लोग अपनी बातों को उनसे मैंने यहां पर अपनी बातों को उन्होंने बताया, मैंने उनके साथ शेयर किया। ईएमयू में मेरा आने का एक और उद्देश्य था कि मीडिया में कतपे उसमें मीडिया के उसमें एक खबरें चल रही थी, ईएमयू में बहुत सारे प्रोफेसर या बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है कोविड के कारण। मैंने कल और परसों दोनों दिन ईएमयू के वीसी साहब से भी चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हाँ, ईएमयू में यहाँ पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहाँ की अंत यहाँ हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 बेली में जिनकी मौत हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे उस कारण से भी चीजें हुई हैं, लेकिन अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ सभी जुड़ चुके हैं और ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ये अपने आप में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उन्होंने डिमांड की थी, राज्य सरकार ने उन्हें ऑक्सीजन आपूर्ति LMO कल से प्रारंभ की कर दी है और भी हमने उनको कहा है कि जो भी अन्य आवश्यक संसाधन और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ईएमयू प्रशासन, जनप्रतिनिधि मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, इस समय मानवीय संवेदना सबसे महत्वपूर्ण है, हर एक पीड़ित के प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए और उसको हम संवेदनशील तरीके से बचाने का कार्य कर सकें ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मैं अभिनंदन करूंगा अपने सभी हेल्थ वर्कर्स का, उन सभी कोरोना वॉरियर्स का जो इस कार्य के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं और एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का कार्य कर रहे हैं। मेरी आप सबसे भी अपील है कि बचाओ सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन अगर कहीं किसी में कोई लक्षण है, किसी को आशंका हो, तत्काल जांच करवाए, जांच कराने से भागे ना। देखिए, बीमारी से बीमारी को छुपाने से बीमारी समाप्त नहीं हो जाती, वो विकराल रूप धारण करती है। इसलिए आपके पास हमने एक सिस्टम बनाने का प्रयास किया है, हम एक महामारी से लड़ रहे हैं, इसलिए बीमारी को छुपाना बताएं। सरकार हर प्रकार की सुविधा दे रही है, वैक्सीन फ्री दे रही है, दवा फ्री कर रही है, सब कुछ फ्री कर रही है, भारत सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है। इसमें बीमारी को छुपाने से अच्छा उपचार कराने में तत्काल आगे आए और जो भी गाइडलाइन उसका पालन करें। प्रत्येक नागरिक इस बात को ध्यान में दें कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जहां पर कहीं संक्रमण की चेन स्प्रेड होती हो, इसको ब्रेक किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हम और खासतौर पर मीडिया के माध्यम से हम पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करें। हाई रिस्क कैटेगरी के लोग यानी 60 साल से ऊपर, 10 वर्ष से छोटी उम्र के लोग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोग से ग्रसित कोई भी व्यक्ति या कम इम्यूनिटी के व्यक्ति, ये लोग घर के बाहर ना निकलें, घर में भी मास्क लगाएं। दूसरा, हम इस चीज का पालन करें कि अगर किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलना आवश्यक हो, सामान्य नागरिकों को भी, वे मास्क जरूर पहने। कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं तो उन स्थितियों में हम लोग ग्लव्स जरूर पहने या सैनिटाइजर से हाथ जरूर साफ करें और पूरी सतर्कता के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। टीम वर्क ही रिजल्ट देगी और ये टीम वर्क ने ही रिजल्ट दिया है। उत्तर प्रदेश की निगरानी समिति और RRT के द्वारा जो कार्य प्रारंभ हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उसकी सराहना की है और हम लोग इस अभियान को एक निरंतरता बनाए रखेंगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग, चाहे वह हॉस्पिटल में हो या घर में हो, अगर कोविड पॉजिटिव है हम उसको
मुफ्त में उपचार और मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध करवा सके और किसी भी चीज की कोई कमी न हो, इस पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ये प्रयास निरंतर चल रहे हैं। आज मैं सही समीक्षा लेने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे। दरअसल